नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे वंशानुक्रम का अर्थ। सामान्य शब्दों में वंशानुक्रम का अर्थ है माता पिता तथा पूर्वजों के गुणों का संतान में पहुंचना। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बालक अपने माता पिता की अनुकृति या नकल होते हैं। किसी भी बालक को देखकर उसके माँ बाप को पहचाना जा सकता है। बालक के जो है होंठ नाक रंग रूप कुछ जो है माता पिता से मिलते जुलते हैं। इन सभी समानताओं का मूल कारण वंशानुक्रम है। परंतु कभी कभी होता क्या है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान जो है मूर्ख और मूर्ख माता पिता की संतान विद्वान निकल जाती है। इसका कारण वंशानुक्रम के नियम है। प्रत्येक बालक केवल अपने माता पिता के ही मानसिक वह शारीरिक गुण प्राप्त नहीं करता, वरन वह अपने दादा दादी तथा नाना नानी के शारीरिक और मानसिक गुण भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से शारीरिक व मानसिक गुणों को प्राप्त करना ही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम की परिभाषाएं को देखेंगे। इसमें जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उसे देखते हैं। वीएन झा के अनुसार जो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। रास के अनुसार एक संतति से अगली संततियों में प्राणी के गुण व गुणों के जो है विक्रांत होने को वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर ने बताया कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों से संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो गर्भाधान के समय यानी कि जन्म से लगभग 9 मास पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। डगलस व हॉलैंड को देखें तो इनके अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक बनावटें शारीरिक विशेषताएं क्रियाएं सम्मिलित रहती है जो माता पिता व अन्य पूर्वजों या प्रजाति से वह प्राप्त करता है। एच ए पेटरसन के अनुसार जो है व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वह वंशानुक्रम कहलाता है। तो वंशानुक्रम की जो परिभाषा देखें वुडवर्थ का बीएन झा का रास का जेम्स ड्रेवर का डगलस व हॉलैंड का और एच ए पेटरसन का। तो ये था वंशानुक्रम का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएँ। धन्यवाद।